गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? ओके, ऑल राइट। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट। वैसे हमने ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेस, एल्कलाई किसे बोलते हैं, करेक्ट? वो देखा था ना? ओके, तो हमने ये सब देखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेसिस, ठीक है? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस, ऑल राइट। ओके, बीच में आई वॉज म्यूटेड आई गेस, इन बिटवीन। ऑल राइट, एनी वेज, तो उसके बाद हमने एसिडिटी ऑफ बेसिस देखा था और बेसिसिटी ऑफ एसिड्स देखा था, ठीक है? आई होप सो फार इट इज क्लियर विद एवरीबडी। यस स्टूडेंट्स, ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पीएच पेपर। ओके, पीएच पेपर क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस इमेज व्हाट आई एम हैविंग विथ मी। वन मोमेंट, ओके, आई शेयर माई स्क्रीन। वन मोमेंट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ऑल राइट, शेयरिंग द इमेज। वाई ओनली टू स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, वेर आर अदर्स? ठीक है, क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? पी एच पेपर, यस, ग्रेट। सो हियर वी हैव पी एच स्केल। ओके, अगर आप यहाँ पे पी एच का स्केल देख रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14 यू हैव एंटायर स्केल ऑफ पी एच। इसी में स्टूडेंट्स आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इसी में ही स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है उनके पी एच नापे जाते हैं। इफ इट इज 7, जो कि वाटर होता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। जब 7 की स्केल पे आता है तो न्यूट्रल बोला जाता है। 7 से एक्सीड होता है 8 9 10 11 12 13 और 14, दिस विल बिकम अ बेस। और 7 से कम होता है 6 5 4 3 2 1, ये बोलता है एसिड। ओके, सो आपका 7 पीएच इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल। बिफोर 7 entire 6 quantities are said to be strong acids, and beyond 7, 8 to 14 quantities are said to be bases. So यहाँ से students आपकी basicity जो है increase होते जाती है। यहाँ पे थोड़ा base रहेगा, 9 पे थोड़ा और ज़्यादा basic हो जाएगा, 10 पे और basic basicity उसका बढ़ेगा, likewise 14 पे वो पूरा का पूरा base हो जाता है, strong base बनता है। That is your drain cleaner, okay, bleaching agents. वैसे ही आपका 6 पे एसिडिटी शुरू होता है, ओके? और ये 5 4 3 2 1 और 0 पे आने पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। यू कैन सी द कलर,
आपको कलर से ही पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी. यस, ओके, चलो. सो कमिंग हियर, ओके, तो ये तो था हमारा पीएच के. नाउ आई एम कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक. सो हियर वी हैव क्लासिफिकेशन, हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी कर लिया था. अब आते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस. तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एसिड्स और बेस का किसके ऊपर डिपेंड होता है. आई थिंक ये भी किया था ना हमने, कट अ लेमन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक में 10 ml का आपको ये लेना है. जूम द स्क्रीन. ऑल राइट, आई जूम इन द स्क्रीन. मच बेटर कादंबरी. ओके, मोर जूम. अब तो ये इससे ज्यादा, दिस वाज जस्ट गुड. कादंबरी, नो, वन मोमेंट. बेटर इसके ऊपर, अभी ये तो बाहर जाएगा इसके. ऑल राइट, यस, बेटर, ठीक. सो व्हाट आई वाज सेइंग, हमने ये वाला पार्ट कर लिया था ना लास्ट में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस किसके ऊपर डिपेंड होता है. सल्यूट और सल्यूशन, सल्यूट सॉल्वेंट एंड सल्यूशन, यस. ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट पार्ट हियर. नाउ कमिंग हियर टू द टेबल, भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था पीएच ऑफ सल्यूशन. Now we all have seen the acids and bases dissociate into a smaller or larger extent. Okay, dissociate का मतलब अपना bond को break करना, ठीक है, अपना existing bond को break करके किसी और के साथ merge हो जाना. So we all have seen that acids and bases dissociate to smaller or larger extent on dissolving in water. ठीक है, पानी के साथ जब dissolve होते हैं तो पानी के साथ एक dissociation form करते हैं जिसमें एसिड के रेडिकल्स और हाइड्रोक्सी के रेडिकल्स, मतलब बेस के रेडिकल्स रिस्पेक्टिवली रिलीज होते हैं. ठीक है, तो आपका आइदर एसिड रहेगा तो एसिड के रेडिकल्स ब्रेक होंगे, और अगर आपका बेस रहेगा तो बेस के रेडिकल्स ब्रेक डाउन होंगे. सो एसिड एंड बेसिस आयन्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्रपोर्शन इन ऑल नेचुरल एक्वियस सल्यूशंस, एंड दैट डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज सल्यूशंस. ओके, for example, here we have an example. The proportion of H plus ions and OH minus ions divides soil into acidic, neutral and basic types. तो अगर आपका soil है, अगर आपने soil का testing का example देखा है, so आपकी जो soil है students, that will be divided on the basis of H plus ions and OH minus ions. इन दोनों components के base पे soil is divided further with acidic. आपकी soil acidic है या न्यूट्रल सॉइल है या बेसिक सॉइल है. इट इज नेसेसरी फॉर ब्लड सेल, सेल सैप जो होता है वो, एक्सेट्रा, टू हैव एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन्स इन सर्टन डेफिनेट प्रपोर्शंस फॉर देयर प्रॉपर फंक्शन. सो हमारे ब्लड में भी, हमारे सेल सैप में भी, हमारे जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स है, टिश्यूज है, उसमें सभी में भी एच प्लस और ओ एच माइनस आयन्स आर प्रेजेंट इन सर्टन प्रपोर्शन. अगर H प्लस इंक्रीज होता है या OH माइनस इंक्रीज होता है तो हमें वो इम्बैलेंस पता चलता है, विच कम्स इनटू आवर ब्लड रिपोर्ट. ठीक है, सो दीज आर प्रेजेंट इनटू डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. फर्मेंटेशन कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ऑल्सो मेनी केमिकल प्रोसेसेस रिक्वायर प्रोपोर्शन ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, उसमें भी H प्लस और OH माइनस आयन्स की दोनों का समावेश होता है या दोनों का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. ये किसके ऊपर डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि आपका जो कंटेंट है या फिर आपका जो आइटम है या फिर आपका जो चीज़ है जिसका फर्मेंटेशन हो रहा है, जैसे इडली का डो का, तो वो आपको ज़्यादा एसिडिक चाहिए या बेसिक चाहिए उसके ऊपर. प्योर वाटर ऑल्सो अंडरगोज डिसोसिएशन. इवन योर प्योर वाटर जो कि न्यूट्रल फेज में है, इट अंडरगोज डिसोसिएशन.
टू फॉर्म वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव राइज टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस. ओके, वो भी डिसोसिएशन फॉर्म करता है और वो भी एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस को इक्वल प्रपोर्शन मिलता है. सो एच टू ओ विल अंडरगो डिसोसिएशन, आपका वाटर मॉलिक्यूल, इट विल अंडरगो डिसोसिएशन, इट विल गिव राइज टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस. ओके, तो ये एच प्लस आयंस यहाँ पे रिलीज होते हैं और एक ओ और एच के साथ फ्यूज होके ओ एच माइनस आयन होंगे. दो एच है ना इसके पास, एक एच यहाँ पे आएगा, दूसरा एच इधर चला जाएगा ओ के साथ. ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू अंडरगो डिसोसिएशन देयर एग्जिस्ट बोथ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस. बिकॉज ऑफ वाटर इट इज गिविंग राइज टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस. हमें हर चीज में एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? क्योंकि हम पानी को उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं. सो आयंस इन एनी एक्वियस सोल्यूशन हाउ एवर देयर कॉन्सेंट्रेशन मे बी डिफरेंट. ओके, अगर एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस जो है, जो जब भी एग्जिस्ट करेंगे वो किसी ना किसी के साथ फ्यूज होके ही करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट वॉट इट इज प्रेजेंट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद एवरीबडी. यस स्टूडेंट्स, now here we have pH of few aqueous solutions. okay, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि न्यूट्रल इज रेन एंड मिल्क, ये दोनों भी न्यूट्रल है, रेन और मिल्क. ठीक है, यहाँ से वीक एसिड शुरू होती है, यूरिन, एसिड रेन, ब्लैक कॉफी, टमाटो जूस, विनेगर, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस और 1 मोल ऑफ HCl. ठीक है, यहाँ से कम 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 करके आपकी एसिडिटी यहाँ तक बढ़ती है. Likewise for bases. Neutral से जो bases start होते हैं, pure water, sugar solution, weak base. उसके बाद blood, solution of baking soda, toothpaste, milk of magnesia, lime water or 1 molar of NaOH. This is all strong bases. Everybody is understanding? Any confusions of our students? Yes students, any confusion? तो दिस इज ऑल अबाउट इट. सेवन से लेके अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे भी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे. सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ड्रेन क्लीनर इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग एजेंट, सोप, अमोनिया, ये सारा, कॉफी, वाइन, विनेगर, लेमन, स्टमक एंड देन एसिड. स्टमक वाई, उसके अंदर HCl होता है. ओके, ऑल राइट, आई एम जस्ट पॉजिंग the screen share and I'll show you one more image. मैं आपको एक और इमेज बता देती हूँ. Okay, here it is, pH scale. I'll reshare my screen. Okay, you can see my screen students here. ये pH scale में आपके जो जो बैठते हैं, drain cleaner on 14, bleaching agent, soapy water, ammonia solution, indigenous tablet, injection tablet, baking soda, sea water और आपका normal water, that is your rain water, milk, okay, black coffee, tomato, orange juice, vinegar, stomach acid and battery acid, okay. सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा एसिड है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा बेस है, सेंटर में यू हैव एट 7 न्यूट्रल. नाउ यू मस्ट हैव सीन अ लिटिल डिफरेंस, मिल्क जो है पहले की इमेज में आपको यहाँ पे आया था, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बताया गया है, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क वी विल कैटेगराइज इट इंटू वीकर बेस, वीकर ये एसिड एंड न्यूट्रल. ठीक है, सो मिल्क इज नॉर्मली काउंटेड इन टू अ वीकर एसिड, हल्का सा, मोस्टली इट इज न्यूट्रल, ओनली न्यूट्रल के स्केल के बाजू में ही आता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. सो कमिंग बैक टू योर टेक्स्ट बुक अगेन, आई होप इट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस स्टूडेंट्स, नो, ओके. Now a concentration of H plus ions formed by dissociation of water at 25 degrees Celsius is 1 into 10 raised to minus 7 mole.
एट द सेम टेम्परेचर कौन से 25 डिग्री पे, एट द सेम टेम्परेचर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एच सी एल इज 1:10⁻¹. क्या बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पे बोला गया है कि एच प्लस आयन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म होता है वेन वॉटर इज डिसोसिएटेड. ओके, जब वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एच प्लस आयन्स जो फॉर्म होते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इट इज 1:10⁻¹. ये इसका कॉन्स्टेंट है जब ही वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है. एट द सेम टेम्परेचर 25 डिग्री पे ही द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन्स इन वन मोलर सोल्यूशन ऑफ एच सी एल इज 1:10⁻¹. तो एच सी एल में कितना है इसका डिसोसिएशन 1:10⁻¹ और वाटर में कितना है 1:10⁻¹. While one mole of NaOH solution, the concentration of H plus ions is 1:10⁻¹⁴. ठीक है? Thus, we can see that in common aqueous solutions, the range of H plus concentration is very wide from 0 to -40. अगर आप तीनों solution को compare करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों solution, for example, आपका water molecule, आपका HCl, okay? एंड आपका NaOH, ओके, वाटर मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, दिस इज हैविंग 1:10⁻¹⁷. ठीक है, HCl इज हैविंग 1:10⁻¹⁰ एंड NaOH इज हैविंग 1:10⁻¹⁴. ओके, सो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख पा रहे हो, सॉरी फॉर दैट स्क्रोल, आई थिंक कुछ और ही ज्यादा आगे चले गए. 1 मिनट हाँ स्टूडेंट्स. व्हाट इज द पेज नंबर प्लीज. या गॉट इट, गॉट इट. ठीक है, सो इफ यू सी हियर, हम लोग यहाँ पे थे. तो अगर हम पानी की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल, हम एसिड की बात करें HCl की, ठीक है, और अगर हम NaOH की बात करें, आप HCl, देन यू हैव वाटर मॉलिक्यूल एंड देन यू हैव NaOH. ठीक, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे, HCl इज स्टैंडिंग एट 10⁻¹, वाटर मॉलिक्यूल इज स्टैंडिंग एट 10⁻⁷ -7. ओके, and this is standing at 10⁻⁴. तो अगर आप ये देखोगे, so if you compare here with your pH paper, you can see acid 10⁻⁰, strong part, neutral part, water molecule 10⁻⁷, and if you can see drain cleaner 10⁻⁴. Can you relate it everybody? Likewise, HCl 0, आपका drain cleaner 14 and your आपका water molecule at 0, 7. So these are the those powers. You can see ये कहाँ से आया 10⁻⁷. Understood everybody? ये जो 10⁻⁷ water का है वो यहाँ पे resemble करो 7 pH पे. If you resemble HCl 10⁻⁰, so it is a 0 pH. If you resemble NaOH 10⁻⁴, 14 pH. Getting it? Okay. So thus we see that in common aqueous solutions, the range of H plus ion concentration is very wide, right from 10⁻⁰ to 10⁻⁴. In 1990, the Danish scientist Sorensen introduced a convenient new scale of expressing H plus ion concentration, which is found to be very useful in chemical and biochemical process, which is called as a pH scale. So ye jo Sorensen hai, inhone ये पीएच स्केल को डेवलप किया था. ठीक है, जो हम यूज करते हैं केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, इट इज अ पीएच स्केल व्हिच इज अ पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन. हमने हमेशा हाइड्रोजन को कांस्टेंट रखा है, राइट? तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं हम इसे. पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पी स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ सभी को कंपेयर करते हैं.
सो द पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14 एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर हैज पीएच ऑफ 7. ओके, दैट मीन्स हमारा ये जो प्योर वाटर है इट इज ऑलवेज हैविंग पीएच ऑफ 7. ओके, सो दिस पीएच ऑफ 7 मीनिंग प्योर वाटर हैज एच प्लस आयंस, इट इज 10 into 1 into 10 raised to 7 मोल्स पर लीटर. अगर पानी को डिसोसिएट करेंगे तो हमको इतने एच प्लस आयंस मिलेंगे. सो पीएच 7 इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. पीएच 7 को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल बोलते हैं. दिस पीएच इज मिड पॉइंट ऑफ द स्केल. द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 एंड दैट ऑफ वन मोमेंट स्टूडेंट्स. Is this okay now? Now my voice is okay. Is it still breaking? Students, am I audible? Much better. Better? Yeah. I literally had to go and fix my this Wi-Fi. Now it is better, na? Others I'll turn on. Better. ठीक है चलो. हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे pH scale का. So अगर आप yes so pure water. So I wanted to give you an example. जब ही हम अभिषेक करते हैं ओके लाइक अभी नवरात्रि में या हम कई पूजा में हम एक वाटर यूज करते हैं प्योर वाटर. गंगा का पीएच, गंगा वाटर का जो पीएच है पहले से ही उसका पीएच 7 हुआ करता था. ठीक है, इट वाज कंसीडर्ड टू बी अ प्योर वाटर बिकॉज इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर. एनी आइडिया गंगा वाटर को प्योर वाटर क्यों कहते थे? गंगा जी का जो पानी है उसे हम प्योर वाटर क्यों कहते हैं? नो, बिकॉज द गंगा वाटर इज ओरिजिनेटेड. ओके, गंगा जी की जो पूरी की पूरी जो पानी निकलता है गंगा का वो हिमालय से निकलता है, राइट, फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स. वहां के ग्लेशियर से पानी आता है. सो ऑब्वियसली ग्लेशियर कैरी मोस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ. ग्लेशियर्स आर मोस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ. तो ये ग्लेशियर से जो पानी ओरिजिनेट होके आता है दैट इज कंसिडर्ड एज प्योर. उसका पीएच जो है न्यूट्रल होता है. सिंस इट इज नॉट फॉलिंग अंडर एसिड और बेस, वो पानी को हम हमारे अभिषेक या फिर इसके लिए यूज करते हैं. बट वो बात अलग है. नाउअडेज पीपल आर गोइंग देयर डूइंग अननेसेसरी थिंग्स एंड पोल्यूटिंग वाटर. अभी गंगा जी बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गए हैं. बट दिस इज द रीजन व्हाई पीपल यूज टू यूज वाटर फॉर अभिषेक. ओके, तो पहले के जमाने से जो हम वाटर यूज करते हैं फॉर अभिषेक, इट इज ऑलवेज हमारी बॉडी को भी जब प्यास लगती है यू विल नॉट गो आउट फॉर जूसेस और समथिंग. नो, यू विल गो आउट फॉर वाटर. आपकी बॉडी भी वाटर मांगेगी.
when it will become too acidic, too basic, it wants to be neutral. So even your body will ask for a water, right? So this is a reason, this is the main reason why your water is considered as 7 or neutral. It is neither acidic, it is neither base. Okay? और उसका साइंटिफिक रीजन यहाँ पे आपके सामने है. बिकॉज व्हेन यू कंसिडर वाटर, व्हेन यू डिसोसिएट वाटर, उसके एच प्लस आइंस जो है वो 7 व 10^-7 मोलर्स का आपको पावर बताएंगे. ठीक है. इसके बाद द पीएच इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल. द पीएच ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7 एंड दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7. सो हमने वो टेबल देख लिया था ऊपर जो था पीएच सॉल्यूशन का. सो आई होप सो फार इट इज क्लियर विद एवरीबडी पीएच सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है. सो हमारे यहाँ पे पीएच वैल्यूज जो है कुछ कॉमन सॉल्यूशंस के हमने अभी इमेज में भी देख लिए थे. ऑलराइट. नाउ बाय विच मेथड कुड वी फाइंड आउट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. हमारे पास कौन से मेथड्स हैं अपार्ट फ्रॉम आर पीएच स्केल. एक तो हमारा इंडिकेटर्स है. ठीक है. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हमारे पास है वो आर द कलर्स ऑफ फॉलोइंग नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स इज कंसिडर्ड एज एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस. ठीक है. तो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं. वी हैव लिटमस, वी हैव टर्मरिक, वी हैव जामुन, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थेलिन. दीज आर द इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जिसे हम कहीं पे भी यूज करते हैं टू डिटेक्ट वेदर एसिड, वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस और न्यूट्रल. मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन ये केमिकल इंडिकेटर्स हैं. इसके पहले वाले सभी जो आपके हैं ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स है या नेचुरल इंडिकेटर्स है. ठीक है. सो वी नो दैट सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. जो नेचुरल और सिंथेटिक डाइज होते हैं उसमें अलग अलग कलर आ जाता है. जब भी फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े स्टेन हो जाते हैं या कपड़ों पर कुछ गिरता है, खास करके हल्दी वाला, सो यू कैन सी धीरे धीरे आपकी हल्दी का कलर जो है ऑरेंज बन जाता है व्हेन यू डिप इन वाटर. यस. और वो हल्दी का कलर जो आपके कपड़ों पे गिरा है उसको अगर थोड़ा भी साबुन लगा दो तो वो ऑरेंज का रेड बन जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द आपका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. वी नो दैट सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज शो टू डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. सच डाइज आर यूज्ड फॉर एसिड बेस इंडिकेटर्स. हम उसको क्या बोलते हैं जो हमें एसिड और बेस का इंडिकेशन बताते हैं. दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स. Is that clear, students, so far? Easy to understand? Any difficulty? Okay, I'll take that yes. Easy to understand? ठीक है. So in pH scale, the pH of pH of solution varies from 0 to 14. In accordance to the strength of acid or base, to show these variations in pH, a universal indicator is used. Okay, a universal indicator shows different colors at different values of pH. So, हमने अगर यहाँ पे देख पा रहे हो students, यहाँ पे, if you can see, these are different type of pH paper. आपका एक pH strip थोड़ा सा orangeish रहेगा, ठीक है? But इसके ऊपर जो indicate होगा, जब आप इसको dip करोगे कोई solution में, तो इसके colors के ऊपर indicate होगा students कि कौन सा आपका पीएच है. ठीक है. ये आपका पीएच आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा है, बेसिक बता रहा है या न्यूट्रल बता रहा है. इवन ऑल योर टेस्ट ट्यूब यू विल काउंट योर कलर इनटू दिस कैटेगरी. चलो, शैल वी गो टू नेक्स्ट पार्ट. यस स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन मेजर द पीएच. अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैसे बनाते हैं. जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उनको मिक्स करते हैं बट इन स्पेसिफिक प्रपोर्शंस, कोई भी प्रपोर्शन में नहीं. एक मात्रा होती है उसकी, स्पेसिफिक रेशियो होता है, उसमें मिक्स करेंगे. द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. और पीएच जो होता है सॉल्यूशन का वो कैसे डिटरमाइन होता है. बाय मींस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन और पीएच पेपर मेड फ्रॉम इट. However, the most accurate method of measuring pH of solution is to use an electrical instrument called as pH meter. Okay, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो students, आपने ऊपर देखा होगा, this is pH meter. अगर आपको accuracy चाहिए तो pH paper पे depend नहीं रहना होता है,
अगर आपको ऐसे कोई लेबोरेटरी लेवल पे जाना है, हायर लेवल पे स्टडी करना है, सो देर इज वन पीएच मीटर जो आपको एक्यूरेट पीएच देगा, 11.99, 11.19 डेसिमल में भी देता है. सो दिस इज हाउ योर पीएच इज मेजर्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज एट बेसिक लेवल, हम जो बेसिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके लिए. बट जो लेबोरेटरी में जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती है, जहाँ पे अलग अलग यू नो केमिकल की चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको कंबाइन किया जाता है, वो लेवल पे स्टूडेंट्स ये वाला पीएच मीटर का यूज होता है. ठीक है, शैल वी गो टू नेक्स्ट पार्ट? इज दिस पीएच पार्ट अंडरस्टूड बाय एवरीबडी? नो डाउट्स? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच मीटर. इन दिस मेथड पीएच इज मेजर्ड बाय डिपिंग इलेक्ट्रोड्स इनटू द सॉल्यूशन. ओके, तो सिर्फ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं. नाउ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जब एसिड और बेसिस मिक्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ओके, तो एसिड और बेसिस मिक्स होते हैं, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस मिक्स हो गए तो ये आपके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. कैसे? इसका एक्सपेरिमेंट अभी हम देखते हैं. वी आर गोइंग टू टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl. हमने 10 ml डाइल्यूट HCl लिया बीकर में. वी आर यूजिंग ग्लास रॉड एंड वी आर गोइंग टू पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द पेपर, पीएच पेपर. पीएच पेपर के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसका पीएच. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH. व्हाई डाइल्यूट NaOH और व्हाई डाइल्यूट HCl? क्योंकि हमने ये इस स्केल पे लिया है. आपका NaOH है जो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमने एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है. ठीक है, हमने ये दोनों चीज ली है जस्ट टू प्रूव दैट व्हेन वी आर एडिंग एसिड एंड बेसिस दे आर न्यूट्रलाइजिंग. न्यूट्रलाइजिंग मतलब ना एसिड रहते हैं ना बेस रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं. विल कम टू दैट नाउ. सो हियर ऑन NaOH सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ ड्रॉपर, धीरे धीरे करके, और उसको आपको सॉल्यूशन को स्टर करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. मेजर द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन पीएच पेपर. इन दिस मैनर गो ऑन एडिंग डाइल्यूट NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड रिकॉर्डिंग पीएच. जब पहली बार आप एक दो ड्रॉप ऐड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका पीएच आपको ज्यादा नजर आएगा. धीरे धीरे आप जितना NaOH ऐड करते जाओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आप देखोगे आपका HCl और NaOH मिक्स होके आपका पीएच बढ़ते बढ़ते जाएगा. ठीक है, अल्टीमेटली स्टॉप एडिंग NaOH व्हेन योर ग्रीन कलर अपीयर्स ऑन पीएच पेपर. जब भी आपको पीएच पेपर पे ग्रीन कलर मिलता है, यू विल स्टॉप एडिंग एंड दैट टाइम यू विल नोटिस दैट योर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम 7, दैट इज न्यूट्रल. ओके, सो इससे हमने क्या प्रूफ किया? हमने ये प्रूफ किया कि HCl प्लस NaOH दोनों मिला के, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिला के सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाते हैं. इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ व्हाई डज द पीएच इंक्रीजेस एज NaOH सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द HCl सॉल्यूशन? इसका रीजन क्या है? द आंसर टू दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन. जितना NaOH ऐड होगा, HCl डिसोसिएट होगा, NaOH भी डिसोसिएट होगा. इसमें क्या रिएक्शन होगा? आपका ये H और ये वाला रिएक्ट करेगा और Cl और Na रिएक्ट करेगा. ओके, तो ये बनेगा Na प्लस Cl माइनस और वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होते जाएगा. अंडरस्टूड एवरीबडी हाउ दिस रिएक्शन गेट न्यूट्रलाइज्ड? Any difficulty so far? Yes, students. ठीक है, understood. All right. Coming to next part here. Addition of NaOH solution to HCl solution is like adding larger concentration of OH ions to larger concentration of H plus ions. तो आपने यहाँ पे OH ions को add कर दिया है with H plus ions. HCl के पास क्या है students? H plus है. और NaOH के पास क्या है? OH माइनस आयंस है. तो जहाँ पे H प्लस आयंस से आपने धीरे धीरे करके OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बनाया और अल्टीमेटली वो न्यूट्रल हो गया. ठीक है, हाउ एवर वाटर डिसोसिएट्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयंस टू गेट वेरी स्मॉल एक्सटेंट. देयरफॉर ऑन मिक्सिंग द एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस कंबाइन विद एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल्स.
विच मिक्स विथ सॉल्वेंट वॉटर. द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आयोनिक इक्वेशन विच इज शोन एज फॉलो. ये आयोनिक इक्वेशन में हम चेंज देख सकते हैं, जहाँ पे H प्लस Cl माइनस आयन डिसोसिएट होंगे, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस आयन डिसोसिएट होंगे, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे. अल्टीमेटली यू विल गेट Na प्लस प्लस Cl माइनस विथ H2O मॉलिक्यूल. इट कैन बी सीन फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट सोडियम एंड क्लोरीन आयन्स आर ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है. बट व्हाट इज द डिफरेंस, फरक काय याच्यामध्ये? राइट हैंड साइड मध्ये एका मॉलिक्यूल बरोबर फिक्स्ड होते, HCl मध्ये होता Cl, आणि तुमचा सोडियम सोडियम हायड्रॉक्साइड मध्ये होता. तुमच्या लेफ्ट राइट हैंड साइड वरती कसं झालं, प्रोडक्ट मध्ये कसं झालं? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड वरती Na आणि Cl कंप्लीटली डिसोसिएट झाले आपल्या रिस्पेक्टिव आयन्स मधून, आणि त्याच्यानंतर त्याच्याबरोबर H2O चं मॉलिक्यूल जे आहे ते सेपरेटली फॉर्म झालं. सो इट कॅन बी सीन फ्रॉम अबव इक्वेशन दॅट Na प्लस अँड Cl आयन्स आर बोथ ऑन बोथ द साइड्स, अँड देअरफोर नेट आयोनिक रिएक्शन इज H प्लस अँड OH मायनस विल गिव यू H2O. ठीक है, नेट आयोनिक रिएक्शन का मतलब है कि इन्होंने अपना स्टेट नहीं बदला, Cl माइनस ही है, Na प्लस ही है, यहाँ पे भी सेम आया. ठीक है, प्लस सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा? H और OH माइनस को, जिन्होंने H2O वाटर को न्यूट्रल बना दिया. ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे आपका माइनस आके दोनों ने न्यूट्रलाइज करके वाटर मॉलिक्यूल बना दिया. इज दिस रिएक्शन अंडरस्टूड बाय एवरीबडी स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स. As NaOH solution is added drop by drop to HCl solution, the concentration of H plus goes on decreasing. जैसे OH बढ़ेगा वैसे H plus का concentration decrease होते गया due to the combination of OH minus ions, and this is how pH of solution went on increasing. इसलिए वहाँ पे neutralization reaction हुआ. पहले H plus का concentration ज़्यादा था, फिर OH add करने के बाद OH का concentration ज़्यादा होते गया. अल्टीमेटली ऐसा टाइम आया कि H प्लस और OH दोनों इक्वलाइज हो गए और सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना दिया. अब आप बोलोगे कि अभी OH माइनस ने न्यूट्रल बना दिया, अगर OH ज्यादा ऐड करते जाओगे तो क्या होगा? डेफिनेटली जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है वो बेस में टर्न हो जाएगा. OH ऐड करते गए करते गए करते गए तो आपका pH बढ़ते जाएगा. पहले आपका pH कम था इसलिए आपका एसिड था, फिर आपने OH ऐड किया तो आपका न्यूट्रल हुआ, इसके बाद और OH ऐड करोगे तो आपका सोल्यूशन बेसिक बन जाएगा. ठीक है, H प्लस के आयंस को डोमिनेट कर देगा. इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? नो प्रॉब्लम कादंबरी, दैट्स ओके. इवन आई हैव अ प्रॉब्लम टुडे, सिंस लास्ट 2 डेज इट्स रेनिंग हेविली हियर, सो नेटवर्क नहीं है अच्छे से. नो इश्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड. आपका येस नहीं आया सो आई थॉट सो, नो प्रॉब्लम. Now I'm getting it properly. Ayush Kadambari, Ayush Goyaji. Now I'm getting it. Okay. When enough NaOH is added to HCl, the resulting aqueous solution contains only Na plus and Cl minus ions. Okay. जब आपने NaOH को enough quantity में add कर दिया, तो आपका NaCl बन जाएगा, which will be in the salt form. और water molecule release हो जाएगा. ठीक है. The only source of H plus and OH minus ions is a solution in dissociation of water. Therefore, this reaction is called as neutralization reaction. The neutralization reaction is also represented by the following simple equation. कैसे? H plus plus NaOH, हमने HCl के साथ NaOH को add किया. हमको ये पता है H के ऊपर positive है और OH के minus negative है. Cl is minus and Na is plus. ये हमको पता है. ठीक है, हम सिंपल वे में जाते हैं. ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा. फ्यूजन किसका हुआ? Na और Cl का, जो बना NaCl की सॉल्ट बन गई. और H plus H becomes 2H, 2H और ये O इसके साथ फ्यूज हो गया, बिकम वाटर मॉलिक्यूल. स्टूडेंट्स एवरीबडी अंडरस्टूड, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ वी विल कम डाउन. हियर वी हैव अ टेबल विच विल बी
यूजिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिला है KHNO3, ठीक है. तो यहाँ पे बेस में क्या आएगा, यू गॉट एनओ थ्री और इसके साथ के है, तो बेस में के आएगा, पोटेशियम आएगा, इसके साथ और क्या आएगा स्टूडेंट्स, वी विल एड के ओ एच, ठीक है. के ओ एच मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये एच प्लस और ये एच माइनस, ये दोनों फ्यूज होंगे, ठीक है. यहाँ पे डिसोसिएशन होगा दोनों का, एनओ थ्री एंड के ओ के फ्यूज होगा. तो डिड यू गेट के एनओ थ्री प्लस एच टू ओ, एवरीबडी इज गेटिंग, यस स्टूडेंट्स. बाकी का आप स्टूडेंट्स दोनों ट्राई कर लो, अंडरस्टूड. इट्स वेरी इजी, जस्ट फोकस ऑन द सॉल्ट एंड फोकस ऑन द एसिड्स व्हाट यू रिक्वायर, ठीक है. हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो हियर वी हैव अ स्मॉल थिंग, वन मोमेंट स्टूडेंट, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, दैट इज ए प्लस बी, ओके, विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ओके, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन reaction. What would be the definition of acid and base with reference to neutralization reaction? तो ये आप, हम इसके ऊपर सोच सकते हैं कि क्या इसका बेस डेफिनेशन होगा, एसिड विद रिएक्ट विद बेस. ओके, विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बोलेंगे विच एवर एसिड या फिर विच एवर सब्सटेंस शोइंग पी एच लो देन 7 इज कॉल्ड एज एसिड, दैट इज बिलो 7 एंड अबव 7 इज कॉल्ड एज बेस. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू क्या है, 7 है, तो हम बोलेंगे एनी सब्सटेंस शोइंग पी एच अबव 7 इज कॉल्ड एज बेस, एनी सब्सटेंस शोइंग पी एच बिलो 7 इज कॉल्ड एज एसिड्स. ओके, इज दैट क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके students, I think we can stop here for today. We'll do a reaction of acids with metal in the next session. Is that okay? We'll stop here for today. Okay? See you soon students. Bye-bye. Take care. Happy Navratri to everybody. Bye students.